अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह ताला हम प्री प्राइमरी के लिए जो है वो एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट, मैथ्स डेवलपमेंट पे हम जो है सोशल स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करेंगे, एक्सरसाइज फ्रॉम प्रैक्टिकल लाइफ पे काम करेंगे, कल्चर पे काम करेंगे। तो आज फर्स्ट वीडियो हम लैंग्वेज के हवाले से जो हम लॉन्च कर रहे हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। देखिए, लैंग्वेज सीखने के लिए या अपने बच्चों को सिखाने के लिए हम जितना कुदरती तरीके को इस्तेमाल करें उतना हमारे लिए आसान होगा। जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, ये जो आपके घर में बोली जाने वाली आपकी मदर टंग है, उसको सीखने का क्या तरीके का है, कैसे सिखाते हैं आप? देखिए, उसमें हम जब बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा सीखता है ऐसे कि पहले वो सुनता है, यानी लिसनिंग से लैंग्वेज एक्विजिशन शुरू होती है। लैंग्वेज एक्वायरी बच्चा लिसनिंग के थ्रू करता है, लेकिन जैसे ही हम अपने बच्चों को दूसरे लैंग्वेज सिखाने की तरफ आते हैं तो हम ये कुदरती जो तरीके कार है उसको भूल जाते हैं। घरों में इस तरह से होता है कि माएँ बोलती हैं, जो उसके इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स में एनवायरनमेंट में एडल्ट्स होते हैं वो बोलते हैं, तो बच्चा उसको सिमुलेट करता है उस पिक्चर के साथ। मसलन एनवायरनमेंट में कप है, माँ ने बोला कप कप, बच्चे ने सिमुलेट किया, और कुछ देर के बाद जब वो खुद बैबलिंग के बाद वर्ड्स पे आता है तो उस चीज को कप बोलता है, फीडर पानी। इसी तरह से बच्चा लिसनिंग के बाद स्पीकिंग पे आता है। अब जब सेकेंड लैंग्वेज की बात आती है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात आती है, तो वी ऑलवेज गो रॉन्ग वे। हम बच्चे को लिसनिंग और स्पीकिंग के बजाय डायरेक्ट राइटिंग और रीडिंग पे ले आते हैं। इसी वजह से जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है वो हमारे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। इवन कि ग्रेजुएशन के बाद भी हम इस काबिल नहीं होते कि उस सेकेंड लैंग्वेज को जो है वो पूरी एक्यूरेसी के साथ या पूरी प्रोफिशिएंसी के साथ जो है वो यूज कर सके या उसको अपनी डे टू डे लाइफ के लिए इस्तेमाल कर सके। आज हम प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए और नर्सरी के बच्चों के लिए आपको बताएंगे कि जब आप उनके लिए लैंग्वेज शुरू करें तो किस तरह से शुरू करें। सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप वो लैंग्वेज जो आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं आप उसको ज्यादा से ज्यादा बोले। अब ये मेरी जो वीडियो है वो ज्यादातर उन माओं के लिए है जो बिल्कुल भी इस चीज से आगाह नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी बहुत सादा और आसान अल्फाज में आपको चीजें जो है वो बता सकूं। अब हमने मेरी एज की जो खवातीन है या माए हैं घर में बैठी हुई, उन सब ने जो अल्फाबेट्स हैं एबीसी के उनके नाम पढ़े। ए जो है वो इस अल्फाबेट का नेम है, जबकि ए जो है वो इसकी साउंड है। बी जो है वो इस अल्फाबेट का नेम है, जबकि ब जो है वो इसकी साउंड है। सी जो है वो इस अल्फाबेट का नेम है, जबकि ख जो है वो इसकी साउंड है। डी जो है वो इस अल्फाबेट का नेम है, ड इसकी साउंड है। हम जब स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम उनको फोनिक्स के साथ साउंड के साथ पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि जब आप अपने बच्चे को स्पारा पढ़ाते हैं और स्पारे में भी जो है हम उसको साउंड्स पढ़ाते हैं, आ उ ई बा बू बी, और इन साउंड्स के सीखने के बाद बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो आगे जो सबक है वो खुद निकालना शुरू करता है, वर्ड्स जो है वो खुद प्रनाउंस करने की कोशिश करने लग जाता है। सेम तरीके का आपने इसमें यूज करना है, क्योंकि आप बच्चे की रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले बच्चे को उसकी फोनिक्स सिखाइए। जो लेटर नेम है वो बच्चे को बाद में भी आ जाएंगे। अब मैं फोनिक्स एक दफा आपके सामने कर देती हूँ ताकि आप मेरे साथ ज क ल म म न न ओ Q, R, S, T,
यू व व एक्स ये z z z आप इन तमाम फोनिक्स को घर में खुद रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए और उसके बाद आप अपने बच्चे को इसी तरह से ये फोनिक्स सिखाइए। वीडियो का फायदा आपको ये होगा कि आप बार बार इसको खुद जो है वो रिपीट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको फोनिक्स में क्यों पढ़ाते हैं और इसमें सबसे पहले हमने स्मॉल अल्फाबेट्स क्यों पढ़ाए हैं। देखिए जब आप बुक्स को देखेंगे तमाम वर्ड जो है उसमें स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखे होते हैं। कैपिटल लेटर्स जो है वो हम दो जगहों पे यूज करते हैं, या तो हम व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेंटेंस जब एक सेंटेंस शुरू करें, या हमने कोई प्रॉपर नाउन लिखना हो तो हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। अदरवाइज जो है वो ज्यादातर काम जो है वो स्मॉल लेटर्स में होता है। लेकिन होता ही है कि हम अपने बच्चों को जो है वो पहले कैपिटल लेटर्स सिखाते हैं। अब जब कैपिटल लेटर बच्चा सीखता है तो वहां पर जो शेप है लेटर्स की वो डिफरेंट होती है। जब वो किताब को देखता है मतलब स्मॉल लेटर्स की शेप जो है वो वहां पे डिफरेंट होती है बुक के अंदर, और जो हमने बच्चे को सिखाया होता है वहां पे उसकी शेप जो है वो मुख्तलिफ होती है, तो बच्चा उसको रिकग्नाइज करने में प्रॉब्लम फील करता है। अच्छा, अब इसमें ये आपको मैं बताऊं कि इन इस फोनिक्स के सिखाने से बच्चा जो है वो किस तरह से खुद ब खुद वर्ड जो है वो बना सकता है और किस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता वर्ड जो है वो प्रोनाउंस करना सीख लेता है। मतलब ये जी है, हमने सारी जिंदगी इसको जी पढ़ा, जबकि अब हम बच्चे को जब इसकी फोनिक्स सिखाते हैं, इसकी साउंड सिखाते हैं ग, तो उसको सिखाना बहुत आसान हो जाता है। ग गलास, ग गेट, ग गॉट। अदरवाइज हम किस तरह से पढ़ते थे, जी ग्लास, जी गेट, तो वो हमारे लिए मुश्किल था। इसीलिए हमें वर्ड्स जो है वो याद नहीं होते थे, उनके स्पेलिंग्स के याद करने में मुश्किल होती थी। अब हम जब बच्चों को करवाते हैं तो इन फोनिक्स का फायदा ये होता है कि हम बच्चे को फोनिक्स के जरिए करवा देते हैं ख ए छ खै, क्योंकि फोनिक्स उस बच्चे को आ रही होती है जैसे ही हम लेटर उसके आगे करते हैं ख ए छ खैर, और बच्चा जो है आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद वर्ड्स है वो प्रनाउंस करने लग जाता है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह से बच्चे से फोनेटिकली जो है वो वर्ड जो है वो खुद प्रनाउंस करवाना शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत फायदा देगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आइंदा इसकी आने वाली वीडियोज को जरूर देखते रहिएगा और अपनी आरा से जरूर हमें आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।